ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी के जहन में आज एक सवाल थी, अब की बार किसकी सरकार। और इसी सवाल को जहन में लेकर, अपने वोट को जहन में लेकर लगातार पहुंच रहे हैं तमाम जो राजस्थान के बाशिंदे हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए। अजमेर में सीकड़ में विधायक वासुदेव देवनानी ने भी मतदान किया, आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी आज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, मतदान करने के लिए पहुंचे, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो चाहे आम हो या फिर खास, तमाम लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और वासुदेव देवनानी ने भी अपने क्षेत्र में मतदान किया। आज प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। क्या कुछ कहा था इस दौरान वासुदेव देवनानी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत अजमेर में हो चुकी है और लगातार लंबी कतारें अलग अलग बूथों पर देखी जा रही है। अजमेर में भी वासुदेव देवनानी जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। इनसे पूछते हैं क्या सोच के इन्होंने मत दिया है और क्या संदेश देंगे लोगों को। वर्तमान में देश के सामने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत नेतृत्व और गरीबी में से पैदा हुए गरीबों के शुभचिंतक और उनके लिए काम करने वाले पिछले 5 सालों के अनुभवी ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए हमने मत देने का निर्णय किया। और साथ में आम जन से भी यह आग्रह कर रहा हूं कि इस समय मुद्दा देश का है, मुद्दा राष्ट्रवाद का है और मुद्दा देश की सुरक्षा का है। क्या लगता है कितने परसेंट वोटिंग अजमेर में आप मानते हैं? गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, लेकिन आज सवेरे सवेरे जिस प्रकार से एक उत्साह मतदाताओं में देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मतदान जो विधानसभा के समय हुआ उससे आगे जाएगा। मेरी इस उत्तर विधानसभा में 63% मतदान हुआ था, मुझे लगता है कि उसको हम क्रॉस करके 65 और 70 के बीच में ले जाने का प्रयत्न करेंगे, 70% तक पहुंचे इसका हमारा प्रयत्न रहेगा। ये थे वासुदेव देवनानी जो कह रहे हैं कि धनबल और जनबल में यह मुकाबला है जिसमें जनबल को एक बार फिर विजय मिलेगी। अशोक सिंह, जी मीडिया, अजमेर।